Assalamu alaikum everyone, welcome back to my another cooking video. I hope you all are doing well. So aaj main bana rahi hu masaledar bhindi and aloo. So bhindi jo hai maine chips ki tarah kaati hui hai aur aloo bhi maine chips ki tarah kaate hue hain kyunki mujhe is tarah ye ek unique sa wo lagta hai aur different sa hai. So ye is tarah sare ingredients hain, namak hai aur mix masala hai jisme mirche hain, mix masale mein dhaniya powder hai, मेथी दाना वगैरह है और वो सारा मिक्स करके जो ग्राइंड कर लेते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कुछ लोग जो भिंडी बनाते हैं वो पहले भिंडी को फ्राई करते हैं. सो ये वाली जो रेसिपी है वो फ्राई करने वाली नहीं है, वो आप जब ग्रेवी बना लेंगे तो उसमें ही आप भिंडी साबुत ऐड करके और उसी को ही वो पक जाएगी. तो ये वाली रेसिपी है, सो आप लोग इसको देखते रहिए. यहाँ पे मैंने कढ़ाई को चेंज कर दिया और देखती हूँ ये ऐड कर दिया है जो प्याज है, क्योंकि उस बहुत छोटी थी और उसमें वो आराम से आप हिला नहीं सकते थे. सो प्याज भुनेंगे और इसमें मैंने एक प्याज ऐड किया बड़ा वाला, तीन चार टमाटर ऐड किए हैं और नमक मैंने 2 टीस्पून और जो रेड मिर्ची मसाला है वो भी मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है. और उसके बाद जो है जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो मैंने कोई आई थिंक 5 से 6 मैंने ऐड की थी जो कट करके रखी हुई हैं. और उसके बाद जो ये ग्रेवी बन जाएगी फिर मैं इसमें आलू ऐड करूँगी सबसे पहले, फिर उनको थोड़ा सा पका के फिर एंड पे जो है वो भिंडी ऐड करूँगी. तो गाइस ये देखिए भिंडी और आलू कितने अच्छे तरीके से पक चुके हैं और ये चिपचिपे भी नहीं हैं, कि आपस में जो भिंडी होती है वो चिपचिपी होती है. तो भिंडी को मैंने थोड़ा सा कच्चा रखा था क्योंकि वेजिटेबल्स को आप थोड़ा कच्चा रहने दिया करें ताकि जो उनका ओरिजिनल टेस्ट होता है वो बरकरार रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पका के तो उनका बहुत ही अजीब सा टेस्ट हो जाता है. सो अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़ की. और आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी, और जो मेरी वीडियोस होती हैं उन पे मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें. मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.